हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे आरपीएफ एनसिलरी जो ट्रेड टेस्ट चल रहा है कपूरथला और दिल्ली में, उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको सभी को पता होगा कि इस समय जो है अब आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मसालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड टेस्ट में हमने एक्सपीरियंस वीडियोज़ लिया, जिसमें गोरखनाथ ने हमें मैसेज किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, साथ में आमिर खान सर ने भी अपना मैसेज शेयर किया था जो बरेली यूपी के थे। इस प्रकार हमने जो कुछ भी सीखा और एक्सपीरियंस के जरिए, वही चीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं कि वहाँ पर जो बताया जा रहा है, स्पेशली कि पहले राउंड में आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और आपका जो ट्रेड टेस्ट के लिए सब कुछ होता रहता है, उस समय आपको पहला राउंड ये होता है कि वो आपको ओरली, जी हाँ दोस्तों ओरली, देखिए जिस तरह स्क्रीन में दिया हुआ है उसी प्रकार मसाले रखे होते हैं और उन मसालों के नाम पूछे जा रहे हैं। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो में आपसे पूरा चर्चा करने वाले हैं कौन से मसाले होते हैं, कितने प्रकार के मसाले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि भारत में 80 प्रकार के मसाले पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 80 प्रकार के, और ये 80 प्रकार के मसाले आपको कैसे याद रखने हैं, किस प्रकार से, क्योंकि आपको पता है 80 तरह के मसाले वहाँ पर आरपीएफ में नहीं पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बट इस तरह से कम 15 से 20 मसाले तो कंटिन्यूसली जो है पूछे जा रहे हैं। तो ये जो 15 से 20 है, उन 80 में से कौन से हैं, तो इसलिए ऐसा अच्छा होगा आपको बेहतर कि मैं आपको पूरा जो है 80 के 80 का नाम बता देता हूं और आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप भी वहां से जाके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और किस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, हम यहाँ पर एक्सपीरियंस वीडियो लेकर आ रहे हैं कंटिन्यूसली कि कैसे कैसे एक्सपीरियंस वाले जो वीडियोज़ हैं बन रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, हमने एक अलग से एक वीडियो का जो है प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स का जो है एक्सपीरियंस देखेंगे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट का भी हम एक्सपीरियंस वीडियो बना रहे हैं, जो एकदम अलग बना रहे हैं, और जो अदर स्टूडेंट्स का बना रहे हैं वो अलग, ताकि आपको दो ही चीज़ों को समझ में आ जाएगा कि क्या गलती हो रही है और क्या गलती नहीं हो रही है, यानी कि आपके कौन सी गलती करने से आप रिजेक्शन लिस्ट में जाएंगे और सेलेक्टेड बच्चे क्या कर रहे हैं जो वो सेलेक्ट की लिस्ट में आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस प्रकार का कुछ मसाले, इसी प्रकार आपको जो है वहाँ पर बाउल में या बर्तन में या कटोरी में जिस प्रकार से भी रखा रहेगा, वहाँ सभी मसालों के नाम आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, मैं स्टार्टिंग से आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, चाहे आप कपूरथला में आपका हो, जी हाँ दोस्तों कपूरथला, या फिर आपका दिल्ली में हो, तो ये दोनों ही जगह आपका जब भी ट्रेड टेस्ट होगा तो आपको क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स मैं स्टार्ट करता हूँ हमेशा हर वीडियो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सपीरियंस पूरा मिले। तो इस वीडियो के भी में हमने बताया था सर ने, जो स्टूडेंट पास हुए थे, तो कि सर सबसे पहले आपको जो है आपका आईडी कार्ड होना आपके पास ज़रूरी है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड भी हमने ले लिया, उसके बाद हमारा दो फोटो चाहिए उन्हें, पासपोर्ट टाइप फ़ोटो, उसके बाद एजुकेशन वीडियो, जी हाँ दोस्तों एजुकेशन का जो आपके पास है सर्टिफिकेट, तो एजुकेशन का जैसे 10वीं का मार्कशीट लगेगा या 12वीं हो तो 12वीं का लेके जाइए, और अगर आप कास्ट में हैं, जी हाँ दोस्तों ये सभी के लिए नहीं एप्लीकेबल होता है, तो अगर आपने कास्ट में फॉर्म भरा, जैसे आपने SC ST OBC EWS इस प्रकार में किसी भी कैटेगरी से अगर आपने फॉर्म भरा है, तो आपको जो है इनका ही एक सर्टिफिकेट लगेगा, और इस सारे सर्टिफिकेट जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होने चाहिए। मैं आपको हमेशा इसलिए ये बता देता हूँ, ताकि दोस्तों आप कभी भी कोई भी वीडियो अगर मेरा देखते हैं, अगर फर्स्ट व्यूअर हैं या फिर आप पहली बार चैनल पर विजिट किया, तो आपको ये ना लगे कि कुछ आपसे मिस हो गया। जी नहीं, इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा भले हो जाता है, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बता देता हूँ। तो चलिए, ये बातें तो आपको हो गई कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और किस प्रकार आपको जाना है। तो कपूरथला जाने के लिए आपको जालंधर जाना पड़ रहा है, क्योंकि काफी स्टूडेंट ने मैसेज किया सर आप जालंधर से होकर जाइए, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स वहीं पर हो रहे हैं। तो जालंधर में जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है कि कपूरथला में आपका अच्छा सा ट्रेड हो जाए और आप इस प्रकार जो है अपना सिलेक्शन पक्का करके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो मसाला है वो देख लीजिए, हींग है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें दो टाइप के पूछे जा सकते हैं, आपको खड़ा भी दिया जा सकता है और पाउडर भी दिया जाता है, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ टच करने को दिया जाएगा दोस्तों। जी हाँ, अपनी आंखों से आप देख सकते हैं और अपने हाथों से इसे टच कर सकते हैं, यानी छू सकते हैं। छूने के बाद ही आपको इसका नाम बताना होगा, वो आपसे पूछेंगे क्या है, आप इसके बारे में बताइए कौन सा मसाला है या फिर क्या चीज़ रखी हुई आप बताइए। तो ये आपको देख कर बतानी है, अगर इस तरह है तो हींग है और पाउडर में है तो देखिए इसका कलर कैसा है। मैं आपको लास्ट में एक और भी बताने वाला हूँ, एक टॉपिक जिससे आप जो है आसानी से जो है हर चीज़ को अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं और जान भी सकते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने सेकेंड पे। देखिए तुलसी बीज है ये,
यानी से हम इंग्लिश में बैचलर सीट्स कहते हैं। तो आपको हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जो भी आपको बेहतर लगे आप बता सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो आप देख लीजिए कैसा होता है ये, बारीक बारीक कैसे चपटा सा होता है, मोटा हल्का सा, तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से। इसका पाउडर भी पूछा जा सकता है, स्पेशली इसका बीज ही पूछा जा रहा है, तो आप इसको इस तरह याद करें। तुलसी के पत्ते तो मोस्टली लोगों को पता होगा, बट दोस्तों एक बार ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है आपको नीम के पत्ते रख दिए जाए और आप कन्फ्यूज़ होकर ये कह दें कि ये तुलसी के पत्ते हैं। तो तुलसी के पत्ते और नीम के पत्तों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आप एक बार खुद से देख लीजिए, आपको बेहतर ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। क्योंकि जो चीज हम लाइव यानी प्रैक्टिस में करते हैं वो चीज हम कितना भी थ्योरी में पढ़ लें उससे बेहतर नहीं सीख सकते। इसलिए मेरा मानना है कि आप जितना प्रैक्टिकली ये सब चीजें सीखेंगे समझेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। आ जाते हैं अब हम देखिए यहां पे बे लीफ यानी तेज पत्ता, ये तो सभी को शायद मोस्टली लोगों को पता होगा, अगर वो खाना चिकन कुछ भी वेजिटेरियन हो नॉन वेज हो तो आपको ये पता होगा कि स्पाइसी फूड्स में तेज पत्ते डाले जाते हैं, तो तेज पत्ते तो आपको पता ही होगा, तो ये बहुत ही आसान है इसे पहचानना। अब आ जाते हैं हम ब्लैक कर्नो यानी काली इलायची जिसे कहते हैं। काली इलायची देख लीजिए, यहाँ पे काली इलायची में दो टाइप के होते हैं, तो काले जो काला इलायची यानी बड़ा इलायची जो है, आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको छोटा भी दे सकते हैं, बड़ा भी दे सकते हैं, आपको जो भी मिले आप उस चीज़ को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। काला तिल के बीज ये भी काफ़ी कॉमन है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता होगा ये काला तिल जो है बहुत ही यूनिक है, ये आप शायद नहीं भूलेंगे जल्दी, एक बार इसे देख लीजिए ध्यान से। अब आ जाते हैं हम जीरा, जीरा भी बहुत कॉमन चीज़ है जीरा, तो जीरा के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको देख लीजिए कैसे होता है जीरा, किस प्रकार का कलर होता है, क्या होता है। अब देखिए काला जीरा, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये जीरा है और ये काला जीरा है, यानी कि वो चीज़ वही है बट आपको इसका कलर अलग है, तो आप इसे सिर्फ जीरा मत कर दीजिएगा, जी नहीं सिर्फ काला जीरा कीजिएगा, क्योंकि आपकी छोटी सी मिस्टेक्स जो है आपको रास्ता बाहर का दिखा सकती है। क्योंकि आपको ट्रेड टेस्ट के अंदर तभी प्रवेश मिलेगा जब आप इस दौर से गुजरेंगे, यानी ये राउंड अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तो भी चांस दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक भी अगर राउंड में आप थोड़ा भी मिस्टेक होते हैं तो बस आपको रास्ता बाहर का दिखा दिया जाता है। अब देखिए छोटा इलायची, इलायची के बारे में आप काफ़ी जानते होंगे, इलायची देख लीजिए किस प्रकार की दिखती है, इधर मैंने इसलिए आपको एकदम HD में जो है डाउनलोड करके रखा है ताकि आपको सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ सके, और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको नाम है। अजवाइन के बारे में काफ़ी कम लोग जानते होंगे, जी हाँ दोस्तों अजवाइन के बारे में मैं खुद भी कभी जानता नहीं था, बट देख लीजिए अजवाइन किस प्रकार की दिखती है, नाम सुना हुआ है लेकिन हम देखे कभी नहीं, क्योंकि ये सब काम मोस्टली जो है लेडीज़ का काम है, वो घर में खाना वाना बनाती हैं, उन्हें मसालों का जानकारी हमसे ज़्यादा होता है, बट हमें इस समय एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें तो हमें भी सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं अजवाइन के पत्ते, तो ये अजवाइन के पत्ते हैं, देख लीजिए अजवाइन को एक बार समझ गए तो आप अजवाइन के पत्ते को भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे, देखिए किस प्रकार का पत्ते होते हैं। और ये अजवाइन के फूल, यानी कि तीन क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गया कि अजवाइन के पत्ते, अजवाइन, अजवाइन के फूल, देख लीजिए पूरा अजवाइन का जो है आप चैप्टर ही पूरा कंप्लीट कर लीजिए। दालचीनी, जी हाँ दोस्तों दालचीनी तो शायद बहुत ही लोगों को पता होगा क्योंकि ये बहुत यूनिक है, देख लीजिए डंडी की जैसे लकड़ी की जैसा होता है छोटे छोटे, तो ये दालचीनी है। जायफल भी काफ़ी कॉमन है, जी हाँ दोस्तों सभी मसालों में यूज़ किया जाता है, अगर किसी आप मसाला शॉप में जाइए देखिए वहाँ पे जायफल आपको दिख ही जाएगा, दालचीनी दिख जाएगी, सभी मसाले दिख जाएंगे। ये जावित्री, जी हाँ दोस्तों ये भी काफ़ी देखिए यूनिक होता है, एक बार आप इसको एक बार समझ लेंगे इसे आप पहचान लेंगे, बहुत आसान चीज़ है। ये लौंग है, जी हाँ दोस्तों लौंग इलायची आपने काफ़ी सुना होगा इसके बारे में, तो ये लौंग है, इलायची मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया ग्रीन कलर का रहता है हल्का सा। ये धनिया पाउडर है, जी हाँ दोस्तों धनिया पाउडर का देख लीजिए किस प्रकार का होता है धनिया पाउडर, और ये धनिया बीज है देखिए जो इस प्रकार छोटे छोटे हैं। ये करी पत्ते हैं दोस्तों, किस प्रकार का पत्ता है देख लीजिए अच्छे से, सूखा नारियल आपको पता ही होगा, फिर भी आप एक बार अच्छी तरह से इसको एग्जामिन कर लीजिए क्योंकि आपको जो है हर चीज़ को एक अच्छी तरह से पहचानना है। कभी कभी हमें अखा दे दिया जाता है, देखिए आप इस प्रकार अगर देखें तो एक बार मन में डाउट होता है पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर ये ब्रेक है जैसे टूटा हुआ खुला है तो ये तो आसानी से पहचानेंगे कि सूखा नारियल है। नारियल का बुरादा, इसका आपको पता होगा आप टच करेंगे हाथ में तो हल्का सा ऑयली जैसा आपको लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है नारियल का बुरादा है। मेथी बीज, मेथी बीज देख लीजिए येलो कलर की होती है, देख लीजिए किस प्रकार का होता है, तो ये आपका मेथी बीज है, आप इसे भी अच्छी तरह से एग्जामिन कर लीजिए। सूखी मेथी पत्तियां, कसूरी मेथी देख लीजिए किस प्रकार की है सूखी मेथी। सौंठ, सौंठ के बारे में आप पता होगा काफ़ी लोग, जो अगर आप चाय के शौकीन हैं जब कभी सर्दी खांसी ज़्यादा होती तो हम लोग सौंठ जो है चाय में डाल के पीते हैं, तो ये काफ़ी फेमस चीज़ है। अरारोट का पाउडर देख लीजिए, अरारोट का पाउडर कैसा होता है, ये काफ़ी जो है कन्फ्यूज़न वाला चीज़ है, ध्यान दोस्तों इसका देखिए पाउडर जो है इस प्रकार का है, तो इसे आप एक बार प्रैक्टिकली जरूर देखिएगा, पढ़ तो रहे हैं भले ही बट एक बार आप प्रैक्टिकली किसी शॉप पे जाइए जहाँ पे मसालों का पूरा शॉप हो, जैसे मसाला
सेंटर होता है वहाँ पर जाइए, आपको सारी चीज़ जो है मिल जाएगी, आप एक बार एग्जाम कर लीजिए, 10-5 मिनट का काम है आपका। ये अमचूर पाउडर खटाई के बारे में तो किसी नहीं पता होगा दोस्तों, मुंह में पानी आ जाता है इसका नाम सुनते ही, खटाई। जी हाँ, तो आप इसे एक बार जब छुएंगे हाथ से तो आपको पता होना चाहिए कि खटाई है। वैसे टेस्ट करने को अगर दिया जाता तो आप आसानी से बता सकते, बट यहाँ पे आपको सिर्फ टच और देखने की ही इजाज़त है। अनारदान का बीज, ये भी आपको पता होगा क्योंकि अनारदान तो सभी को पता है मोस्टली। ये अनारदान का पाउडर, जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा अलग लगा कि अनारदान का पाउडर नहीं जल्दी देखने को मिलता, तो आप देख सकते हैं अनारदान का पाउडर का कलर देख लीजिए थोड़ा किस प्रकार का है। तो ये सौंफ, सौंफ के बारे में भी काफ़ी लोगों को पता है, सौंफ हम खाना खाते समय एक बाद में जो खाते हैं मुंह में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, सौंफ के बारे में सभी को पता होगा। ऐसे अलसी का बीज देखिए, ये भी बहुत यूनिक है, पॉलिश जैसे किया हुआ रहता है एकदम चिकना चिकना, ब्राउन कलर है इसका। तो आपने देखा मैंने कितने सारे जो है आपको मसालों के नाम बता दिए, इस प्रकार सारे मसालों के नाम आप आराम से पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। सूखा आंवला को भी देख लीजिए एक बार, सूखा आंवला कैसा दिखता है, आना तो आपने देखा होगा। लहसुन, जी हाँ दोस्तों, लहसुन भी बहुत कॉमन चीज़ है, काफ़ी लोग जो है इसमें भी टपक जा रहे हैं, जा रहे कि फेल हो जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही यूनिक चीज़ है क्योंकि पता नहीं क्यों कैसे लोगों को लहसुन तक का नहीं पता है। तो ये लहसुन है। सरसों के बारे में तो मोस्टली लोगों को पता होगा, पर एक बार देख लीजिए आप फिर से। ये जखिया है, ये कलौंजी है, जी हाँ दोस्तों, कलौंजी देखिए काफ़ी यूनिक लगा। तो ये कलौंजी का कलर देख लीजिए कैसा है, इलायची जैसा लग रहा है, काला इलायची जैसा, बट आप देख लीजिए इसे, कलौंजी कहते हैं इसे। ये पोस्ट है यानी खसखस बोलते हैं इसे, खसखस का नाम काफ़ी सुना हुआ है लेकिन कभी देखा हुआ नहीं। मैं खुद दोस्तों आपको वीडियो बना रहा हूँ लेकिन मुझे खुद को शायद ये खसखस मैं पहली बार सुन रहा हूँ और ऐसा देख रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें दोस्तों ऐसी हैं कि जो हमें कभी स्टडी मटेरियल में काम नहीं आई है, क्योंकि ये चीज़ें हमें पढ़ने में कुछ ज़रूरत खास लगी नहीं है, लेकिन आज हमें जो है प्रैक्टिकली करना है तो ये सब चीज़ें पढ़ना में बहुत अनिवार्य है। नमक, जी हाँ दोस्तों, नमक तो हर कोई जानता होगा, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट इसे देखिएगा ज़रूर क्योंकि देखिए आप हाथ में लगाएंगे तो आपको पता चलना चाहिए नमक है। काला नमक, जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी फेमस है, काला नमक उपवास में यूज़ किया जाता है, काला नमक का अलग ही टेस्ट होता है। सेंधा नमक, जी हाँ दोस्तों, सेंधा नमक के बारे में भी काफ़ी सुना हुआ होगा आपने, देख लीजिए कैसा दिखता है सेंधा नमक। काली मिर्च, जी हाँ दोस्तों, काली मिर्च के बारे में भी आपने सुना होगा, ये सब काला जो है मसालों का जो है स्पेशल नाम होते हैं, काली मिर्च काफ़ी फेमस नाम है तो आपको पता होना चाहिए काली मिर्च कैसे दिखती है। ये लाल मिर्च के बारे में तो आपको पता ही है, मिर्च पाउडर, जी हाँ दोस्तों, इसको तो आप हाथ में लगाते ही पता चल जाएगा, या फिर आप इसके नज़दीक भी जाएंगे तो भी आप इसकी महक इतनी तेज़ होती है कि आप सूंघ सकते हैं नाक से आसानी से। लाल मिर्च का देखिए, ये भी आप आसानी से पहचान जाएंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जी हाँ दोस्तों, इसका कलर जो है डिफरेंट होता है अलग मार्च से, जो अलग मिर्ची पाउडर होता है उसका कलर और इसका कलर देख लीजिए डिफरेंस है। आप एक बार विजिट कीजिए शॉप में, आपको जो मैं बता रहा हूँ उससे आपको 10 गुना ज़्यादा बेटर आपको फील हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि आपको नाम पहले पता होना चाहिए, नाम पता होने के बाद आपको देखना जरूरी है क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, सेजवान काली मिर्च देख लीजिए कैसे दिखती हैं, फूल देखिए दोस्तों एकदम अलग ही टाइप का है, ये खुला खुला जैसा इसका। ये देखिए दखनी मिर्च कहते हैं इसे, सफ़ेद मिर्च, ये बहुत अजीब है क्योंकि आपको क्या है जानबूझ के दोस्तों छांटने के लिए स्टूडेंट्स को वो एग्जामिनर जो है काफ़ी टफ जो है मसालों के नाम पूछे जा रहे हैं, और ये मत सोचिए कि आज आपको 10 मसालों का नाम दिया गया तो वही वो बाहर जाके बताएंगे, जिन्हें वो चेंज करते जा सकते हैं। 80 मसाले हैं टोटल आपके पास, तो 80 मसालों में आप सोचिए कि कम से कम 60+ में तो आप रहिए कि हाँ मुझे 60 मसालों का नाम तो 100% याद है और मुझे कहीं भी पूछ सकता है। ये देखिए सुगंधित काली मिर्च, ये भी बहुत अलग नाम का मसाला है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता शायद। लाल शिमला मिर्च, ये काफ़ी फेमस है, लाल शिमला मिर्च के बारे में आपको पता ही होगा, बड़े एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से। ये कबाब बचीनी है, ये भी बहुत पहली बार मैं सुन रहा हूँ, मैं भी देख लीजिए कितना सुंदर है। ये पीपली है, गुलाब जल, ये केसर जाफरान है, जाफरान के बारे में आपने सुना होगा, केसर बहुत महंगा होता है केसर। ये बेकिंग सोडा है, जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ आपको बहुत कंफ्यूज कर सकती है, जी हाँ दोस्तों, जो चीज़ आपको कंफ्यूज करी मैं उसी के लिए स्पेशल पर रोक देता हूँ वीडियो को, क्योंकि देखिए इसका जो पाउडर है ये दूर से देख के पता नहीं कर सकते कि आप ये क्या है, दालचीनी है, शक्कर है, बेकिंग सोडा है, नमक है, तो ये सब चीज़ें जो है जो इंपॉर्टेंट है जिसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं उन चीज़ों को ज़्यादा एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये बेकिंग सोडा है, ये भी बेकिंग सोडा है, देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। खमीर है, ये येलो कलर का होता है, देखिए किस प्रकार सजा के रखा गया है एकदम अच्छे से।
ये अजमोद का नमक, ये भी काफ़ी अलग लग रहा है दोस्तों, तो इसे भी एक बार देख लीजिएगा, अजमोद का नमक इसे कहते हैं। ये लहसुन नमक है, बहुत पहली बार मैंने सुना कि लहसुन नमक भी होता है। ये अदरक पाउडर है, जी हाँ दोस्तों, अदरक तो आपने देखा होगा, लेकिन अदरक का पाउडर भी देख लीजिए कैसा होता है। कहीं क्यों आपके लिए वहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 80 मसालों में से कोई भी मसाले आपके सामने रख दिया जाएगा और आपको उन सभी मसालों के में से सबके नाम जो है आपको बताने होंगे। ये केवड़ा जल है दोस्तों, ये चक्रफूल है, चक्रफूल तो काफ़ी चीज़ फेमस है क्योंकि ये देखने से पता चल जाता है कि चक्रफूल है। इमली तो मुंह में पानी आएगी होगी दोस्तों आप सभी के, यहाँ की मुझे छोड़िए, मेरे को तो पहले से ही पानी आ रहा है मुंह में इमली को देखते ही, तो इमली तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। चाय पत्ती तो आपको पता ही होगा, इसकी भी सुगंध जो होती है बहुत अपने आप सामने आने जाएगा। आप चाय का डब्बा जब भी खोलिए, अगर आपके किचन में होगा तो आप एक बार खोल के देखिए, जैसे ही आप चाय की पत्ती जो है डब्बा ओपन करते हैं इसकी एक महक आती है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि चाय पत्ती है। हल्दी पाउडर का भी अलग है, हल्दी पाउडर आपको हाथ में लेते ही आपका हाथ जो है तुरंत ही पीला कर देता है वो, तो पता चल ही जाएगा कि अब हल्दी पाउडर है। और ये देखिए खड़ा हल्दी पाउडर है, जी हाँ दोस्तों, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे दिए। सफ़ेद तिल देखिए ना, सुंदर दिखाई दे रहा है सफ़ेद तिल। ये कचरा है, कब्र करेर, देख लीजिए किस प्रकार दिखाई देता है कचरा, कब्र करेर, बहुत ही यूनिक लग रहा है दोस्तों। ये कोकम है, जी हाँ दोस्तों, कोकम का आपने काफ़ी सुना होगा, कोकम का शरबत, कोकम तो ये भी बहुत फेमस चीज़ है। ये अगर महाराष्ट्र में अगर आप होते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो कोकण साइड होता है, जी हाँ दोस्तों, इसका नाम ही इसलिए पड़ा है कोकम, ये कोकर जो है उस तरफ मिलता है। जैसे कि आप, अगर मैं ज़िला बता दूं आपको डिस्ट्रिक्ट में, तो रत्नागिरी ज़िला में पाया जाता है ज़्यादातर, रत्नागिरी, चिपलून, खेड़, ये उस तरफ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फेमस है कोकम। ये कतीरी गोंद है, ये भी सुना हुआ है, देख लीजिए किस प्रकार दिखता है कतीरी गोंद। ये हरड़ है, जी हाँ दोस्तों, इसका भी नाम बहुत सुना होगा आपने, मैंने भी काफ़ी सुना है इसका हरड़ का नाम, लेकिन देखा नहीं था कभी। ये मुलेठी जेटी मत, ये तो आपको फेमस ही होगा दोस्तों, और इसको आप एक बार देख लिए, आपने इसका नाम देख लिया तो आपको इसको जा के, अगर प्रैक्टिकली नहीं देखते तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये मुलेठी है, यानी जेठी मत कहते हैं इसे। सूखा पुदीना, पुदीना के बारे में आपको पता होगा, ग्रीन पुदीना आपने देखा, ये सूखा पुदीना भी देख लीजिए कैसा दिखता है। साबूदाना तो फेमस ही क्या दोस्तों, आप सभी को पता होगा, ईच एंड एवरी को, कि साबूदाना कैसा होता है, छोटा छोटा वाइट वाइट कलर का, इसकी साबूदाना खिचड़ी बनती है, जब आप भी फास्ट रखते हैं हमारे घर में कोई लेडीज़ तो इसकी खिचड़ी बन के खाते हो। ये है चिरायता, किरात, चिरेटा, चिरेटा दोस्तों मोस्टली जो है जब ज़्यादा बुखार होता है लोगों को, जी हाँ, अगर आपको बुखार उतर नहीं होता तो काफ़ी जो है देसी इलाज में आता है, इसे गर्म करके जो है पानी में उबला के जो है इसको पिया जाता है, तो ये काफ़ी जो है फेमस है। ये भी बहुत कम जगह मिला जाता है, बट आप इसे फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा आसानी से, इतना भी दुर्लभ नहीं है। ये राम तिल है, देख लीजिए ये थोड़ा लंबा लंबा होता है। मजीठ, जी हाँ दोस्तों, मजीठ देखिए लकड़ी की तरह है, सूखी लकड़ी की तरह दिखाई दे रहा है, जैसे हम बगीचे में जाते देखेंगे कभी अभी से इकट्ठा करेंगे लकड़ियाँ, तो सेम इसी प्रकार का जो है डायग्राम बन जाता है। माजू फल इसे कहते हैं, ये तो अलग ही है, यूनिक है, आपने एक बार देख लिया अगर इसको अच्छी तरह से, और इसका नाम अगर नोट डाउन कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आप इसको भूलेंगे नहीं। ये रतन जोत है, लाल जड़ी भी कहते हैं, दामनी बालछड़ कहते हैं इसे, ये कुछ यूनिक लगा तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए एकदम अच्छे से। ये फूड कलर है, देख लीजिए, ये लोहबान गोंद लासा है, ये भी काफ़ी अलग लग रहा है दोस्तों। ये हपूसा जामुन है, जामुन आपने देखा होगा, लेकिन देखिए हपूसा जामुन का कलर किस तरह का है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको जो अलग चीज़ें दिखाई दे रही वही आपके लिए पूछा जा सकता है, जो दिक्कत दे सकती है, बाकी कॉमन चीज़ें तो आप सभी को पता है कि सभी को वो चीज़ें पता है, तो फिर वो ऐसे क्यों पूछेंगे जिससे वो लोगों को छांट सके, तो उन्हें छांटने का मौका कब मिलता है स्टूडेंट्स को, जो चीज़ें वो यूनिक लगता है कि उनको पता है कि 80 मसाले, बट किसी को भी 80 मसालों के नाम नहीं पता, देखे तक नहीं होंगे लोग, तो ये चीज़ें हैं कि आपको तैयारी अपनी जो है 100% करके जानी, जो सेलेक्ट होता है दोस्तों उसमें वाकई वो यूनिक चीज़ होती है जो अलग से बेहतर होती है। 500 में से 10 लड़के अगर पास हो रहे तो सोच लीजिए आप कितने मतलब वो स्पेशल हैं, वो क्या स्किल्स हैं उनके, कितना उन्होंने तैयारी किया होगा। ये प्याज है, प्याज तो आपको पता है, लेकिन प्याज पाउडर देख लीजिए आप, मैंने भी सुना था दोस्तों, प्याज पाउडर तो मैंने भी पहली बार आपको वीडियो बनाते समय ही सुन रहा हूँ कि प्याज पाउडर भी होता है, देखिए कितना मतलब यूनिक चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कभी आज तक पढ़ा ही नहीं इसके बारे में। लहसुन पाउडर देख लीजिए, लहसुन पाउडर काफ़ी फेमस है। ये गुड़ मेहंदी है,
ये नाक दौना है दोस्तों। वीडियो भले दोस्तों लंबा हो रहा है लेकिन आपके सब काम की चीज़ें हैं दोस्तों, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये मालाबार इमली है, देख लीजिए किस प्रकार दिखती है मालाबार इमली। ये फिटकरी है, फिटकरी भी आपको पता ही है, ईजिली आपको पहचान जाएंगे आप इसके। ये अजीनो मोटो है, जी हाँ दोस्तों अजीनो मोटो बहुत फेमस है, देख लीजिए जैसे दिख रहा है एकदम। ये टाटरी लेमन सॉल्ट है, लेमन सॉल्ट देख लीजिए कैसा दिखता है। जो व्हाइट कलर के जितने ही पाउडर हैं दोस्तों, इनको आप एक अलग से ना डायग्राम बनाइए, एक अलग से इनका पोस्टर आता है। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ थोड़े टाइम में। काली सरसों का तेल देख लीजिए, मस्टर्ड ऑयल जिसे हम कहते हैं। ये पीली सरसों का तेल है, ये आपको रखा रहेगा दोस्तों, आपको पहचानना है। ये गरम मसाला है देख लीजिए, मिक्सर ऐसा रखा होगा, आपसे पूछा जाएगा क्या है तो आप कोई चीज़ का पाउडर मत बता दीजिएगा, देखिए एक बार समझिए क्या दिया हुआ है, कितने चाहिए, कलर क्या है, उस प्रकार से आइए आप इसका आंसर दीजिएगा। ये मिक्स हेब्स है, ये पिज्ज़ा मसाला पाउडर है, पिज्ज़ा मसाला पाउडर आपको पता होगा, और अगर आप डोमिनोज के शौकीन होंगे, पिज़्ज़ा हट में जाते होंगे, देखिए आपको पाउच में दिया रहता है, तो ये वही है दोस्तों मसाला पिज़्ज़ा पाउडर का। मैगी मसाला, मैगी तो शायद ही मुझे लगता है कि 50-60% लोगों को मैगी पसंद होगी, बहुत ही पसंदीदा भोजन है, दो मिनट में मैगी तैयार हो जाती है, ये उसका पाउडर है। ये सांभर मसाला है, साउथ इंडियन को तो आसानी से मालूम पड़ जाएगा, बट हम सभी को पता होना चाहिए सांभर मसाला। ये दाबेली मसाला है देख लीजिए, दाबेली गुजरात में बहुत फेमस है, तो ये दाबेली मसाला इसे कहते हैं। ये किचन किंग मसाला है, ये सूखे पाउडर्स में आ गए। ये तंदूरी मसाला है दोस्तों, देखिए काफ़ी रेडिश कलर में होता है ये, इसकी महक बहुत अलग होती है। चाट मसाला तो दोस्तों फेवरेट है सभी का, मेरा भी आपका भी शायद होगा अगर आप पानी पूरी खाने के शौकीन हैं तो। ये चाय मसाला है दोस्तों, आपने चाट पढ़ा था पानी पूरी, ये चाय मसाला है दोस्तों, ये भी चाय की दुकान पर आसानी से पाउडर मिलता है, बहुत आसानी से, बहुत ही टेस्टी हो जाती चाय का। और ये पाव भाजी मसाला हो गया दोस्तों, ये मीट मसाला है। मसालों के लिए आप सूखे मसालों के लिए क्या कीजिए, आप आपको एक जो है शॉप पे जाना होगा और वहाँ से आप पकड़ सकते हैं। ये फॉक्सट मखना है, ये किशमिश है, ये चिरौंजी जा रहा है दोस्तों, इसका डायग्राम देख लीजिए, ये चिरौंजी है, बादाम आपको पता ही होगा, काजू, चिलगोजी अभी आ रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने आपके सारे जो है मसाले के नाम ख़त्म कर दिए, अब ये ड्राई फ्रूट्स के नाम आ गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिल गई तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। और दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनके पास भी अपडेट पहुँच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सपीरियंस के साथ, थैंक यू सो मच।